अस्सलाम वालेकुम, रिजवानास किचन से आज आपको मैं बेहतरीन कौरमे की रेसिपी बता रही हूँ, और जिसके लिए मुझे ये चीज़ें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको सब बताती हूँ। अभी बेहतरीन कौरमा बनकर तैयार होगा, मेरी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। उसके लिए मुझे चाहिए होगा, ये देखिए मैंने ये लिया है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें, मतलब 1 किलो एक चटाक समझ लें या एक पाव समझ लें, एक सवा यानी सवा किलो हो गया, ठीक है। उसके लिए मुझे ये 4 प्याज, इतने 5 प्याज चाहिए, मीडियम साइज, बहुत बड़ी नहीं, 5 ये प्याज हैं जिनको अभी मैं बारीक काट लूँगी और फिर इनको मैं ब्राउन करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 प्याली भरकर तेल, कौरमे में तेल ज़्यादा जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। अच्छा, उसके लिए मुझे चाहिए 1.5 कप दही, ये वाले कप से मैंने 1.5 कप दही लिया है, ठीक है। और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का, ये मैंने लिया है असली देसी घी, ये मैं इसको दम पर डालूंगी, पहले तो तेल में बनेगा फिर ये मैं दम पर डालूंगी। उसके बाद मैंने ये देखिए बारीक बारीक की अदरक काट ली है जो दम पर जाएगी, ठीक है। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये लिए मैंने 1 टीस्पून लाल वाली मिर्चें, ये लिया है मैंने देगी 1 चम्मच 1 टीस्पून देगी मिर्चें, और ये 1 चम्मच ही मिक्स गरम मसाला टेबल स्पून भर के मैंने लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पात हैं, 2 इलायचियां हैं, और ये सब इलायची ली है मैंने 6, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ये लिया है शान का कौरमा मसाला। अपने मसाले के अलावा कोई बात नहीं, अगर आप पैकेट का भी डालते हैं बहुत अच्छा बड़ा टेस्ट हो जाता है मदे का, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें खरीदे तो उसमें सब मिक्स हुआ हुआ होता है। अच्छा, ये मैंने लिया है जायफल जावित्री, जायफल मैंने लिए बस ये थोड़ी सी, और ये जावित्री लिए मैंने, ये देखें जायफल ये है जावित्री ये है, तो ये 2 पीस छोटे से मैंने लिए हैं, बस ये थोड़ा सा ये दम पर जाएगा आखिर में। ये चीज़ें सब दम की हैं, ये है अदरक है, और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है, और ये मैंने कुछ बादाम लिए हैं, आप 20 बादाम समझ लें, इनको मैं छिलके उतार दूँगी इसके, और छिलके उतारने के बाद दम पर मैं ये डालूँगी और ये डालूँगी, ठीक है, और ये गरम मसाला डालूँगी। तो अभी मैं प्याज पीस के फिर बताती हूँ आपको किस तरह कौरमा बनेगा। ये मैंने डाल दिया तेल, इस तेल में मैं डाल दूंगी ये प्याज, ये देखिए कितना अच्छी की तरह प्याज काट लिए मैंने चॉपर में, बारीक प्याज होगी तो वो कौरमे की बहुत अच्छी करारी सी प्याज बनेगी, इसलिए मैंने चॉपर में काट ली प्याज। अब ये प्याज जरा ब्राउन हो जाए मेरी तो फिर मैं आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कौरमे में क्या डालेगा क्या। ये देखिए ब्राउन प्याज हो गई है मेरी, इस तरह ब्राउन प्याज हो जाए, अब मैं इसको निकाल लूँगी सबको। अच्छा, कौरमे की प्याज थोड़ी सी जो ये कलर आया हुआ ना, इस कलर की होनी चाहिए, क्योंकि फिर कौरमे का कलर ही बहुत अच्छा आता है, जैसे वाइट वाइट होता है, इस तरह कलर नहीं आएगा, बेहतरीन कलर आएगा आपका ऐसे ही देखिए। और ये देखिए प्याज भी इतनी बेहतरीन करारी, अगर आपको ज़्यादा करारी चाहिए और जल्दी चाहिए तो आप थोड़ी 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, बेहतरीन करारी प्याज निकलेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, दूसरा ये जो मेरे बादाम हैं, मैंने ये पानी उबाला है, इसमें मैं 1 मिनट के लिए इन बादामों को डाल दूंगी ताकि छिलके आराम से उतर जाए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरा ये देखें, ये मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है, ठीक है, थोड़ी देर गर्म मसाले को हम पकाएँगे और उसमें हम ये गोश्त डाल। अच्छा, गोश्त मैंने मटन का लिया, गोश्त मैंने मटन का लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं, दोनों इसी तरह बनेंगे, मेरा मटन है ये जो मैंने गोश्त लिया है मटन का, ठीक है, मटन कौरमा बना रही हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए ये हमारा अभी इसका गोश्त का पानी निकलेगा, मैं इसमें ये अदरक लहसुन भी डाल देती हूँ ताकि ये दोनों साथ मिक्स भी हो जाए और ये पानी गोश्त का जो है ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको सारे मसाले वगैरह डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये खूब गोश्त का जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है और अदरक लहसुन भून चुका है, अब इसमें मैं ये डालूँगी 1 चम्मच जो मैंने मिर्चें ली थी रेड वाली वो, 1 टीस्पून देगी मिर्च, ये गरम मसाला है जो मैं दम पर डालूँगी, और ये हमारा जो शाम का मैंने आपको बताया था पैकेट
शान का कौरमा मसाला है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दो घोट इसमें मैं पानी डालूंगी ताकि मसाला जले ना। ये मैंने देखिए इसमें मसाला मिक्स कर दिया है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं गोश्त गलाने के लिए इसको कुकर में 15 मिनट गलाने के लिए कुकर में डाल के रख दूँगी। 15 मिनट के बाद 2 गिलास पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि ये मटन है तो जल्दी गल जाएगा। 2-2.5 गिलास पानी डाल के इसको मैं कुकर में रख देती हूँ गलाने के लिए, फिर गलने के बाद 15 मिनट के लिए रखूँगी इसको मैं, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या। अच्छा ये देखें, मैंने कुकर में गलाने के लिए रखा है, तो ये जो मैंने दही लिया था 1.5 प्याली पता है आपको ना, तो मैं आधा अभी मिक्स और आधा जब मैं भूनूंगी इसकी इसकी भुनाई करूंगी फिर मैं डालूंगी, और थोड़ा सा इसमें पानी और डालूंगी। ये देखिए 2 गिलास पानी मैंने इसमें पूरा डाल दिया, ये देखिए, ठीक है। बस अब मैं इसको बंद कर दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में इंशाल्लाह गल जाएगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी ये देखिए, मैंने कुकर में इसको 15 मिनट गलाया था और फिर वापस मैंने इसे पलट लिया था, ठीक है। और मेरा गोश्त बेहतरीन गलकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए, मैंने ये प्याज इतनी करारी प्याज थी मेरी कि मैंने हाथ से इसको किया है, तो ये मेरी प्याज हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आधी प्याज ऐसे डालूंगी और आधी प्याज मैं चॉपर में डाल के दही के साथ थोड़ी प्याज मैंने बचा ली है, और बाकी मैंने दही के साथ एक चक्कर दूंगी बस इसको, ठीक है। फिर देखिए प्याज से हुई भी है हमारी पूरी 5 मिनट तक भूनूंगी ताकि खूब अच्छे तरह मसाला भुन जाए, इसका तेल निकल कर आ जाए। तो फिर मैंने जो ये प्याज और दही पीसा है मैं ये डाल दूंगी, और फिर इसको मैं जब दम पर रखूंगी तब मैं आपको बताती हूँ किस तरह की। देखिए ये इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, फिर मैं ये जो प्याज मैंने बचाई थी मैं ये डालूंगी, उसके बाद मैंने ये देखिए प्याज और ये पीसा था ये मैंने डाल दिया है, ये देखिए। और मैं की लुक लग रहा है आपको, देर में शाही शौरमा आज मैं फुल करूंगी। अच्छा, और इसके अंदर अब मैं ये डालूंगी, ये देखिए ये मैंने डाल दिया है जो मैंने खोपर आपको बताया था, ये मैंने इस पर अदरक, ये बादाम और ये जायफल और गरम मसाला, ठीक है। और ये वाला देसी घी, बेहतरीन हमारा शाही कौरमा बन रहा है। मैं इसको कम से कम 25 मिनट दम पे रखूंगी, और अभी इसमें 1 टेबल स्पून में केवड़ा डालूंगी, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें केवड़ा जाएगा, जो आपको पता है कौरमे की जान है, ये इसमें केवड़ा चला गया। बस अब मैं इसको ढककर कम से कम 20 मिनट तक इसको मैं 0 आंच पर रखूंगी। अब मैंने ये 0 कर दिया है, और अब ये 20 मिनट तक इस पर पकेगा, फिर कौरमे का मज़ा आएगा। ये देखिए भाई, हमारा कौरमा बनकर हो गया है तैयार, बेहतरीन देगी शाही कौरमा, बेहतरीन बादाम और हर चीज़ के साथ। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बेहतरीन कौरमा तैयार है हमारा। हाँ भाई देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और बनाकर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मज़ेदार कौरमा बनाया मैंने कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आप खिला नहीं सकते हम। और अभी हम खा के देखेंगे, ज़बरदस्त बना है, बेहतरीन बादाम और अदरक के साथ। अभी और भी आप अदरक ऊपर से डाल सकते हैं अगर जो पसंद करते हैं खाना, मैंने बीच में ही डाल दिया था। तो बेहतरीन कौरमा तैयार है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा। और दुआओं में याद रखिएगा रिजवाना, मतलब सालन कौरमा हर कोई बना लेता है, लेकिन बनाने का एक स्टाइल होता है या बनाने का तरीका होता है, वो मैंने आपको बताया है किस तरह बनाना है। तो आपको अगर मेरा तरीका पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। रिजवाना किचन से अल्लाह हाफिज़।